कौन हैं आप? यात्री हूँ। कहाँ कहाँ की यात्रा की? सारे भारतवर्ष ही की यात्रा करके आज यहाँ पहुँचा हूँ। इतनी लंबी यात्रा में आपने कभी अर्जुन को देखा? अर्जुन? कौन अर्जुन? कैसे भारतीय हो ब्राह्मण कि अर्जुन को नहीं जानते? मैं द्रोण शिष्य अर्जुन की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तुम कुंती पुत्र अर्जुन की बात कर रही हो राजकुमारी? हाँ। उन्हें तो अवश्य देखा है और बहुत निकट से देखा है। देखने में कैसे हैं? कोई विशेष गुण तो नहीं दिखाई दिए। क्या कहा तुमने? द्रोण शिष्य, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, पांडु पुत्र अर्जुन में तुम्हें कोई विशेष गुण दिखाई नहीं दिया? यदि तुम ब्राह्मण ना होते तो महादेव की सौगंध, ये कहने पर मैं तुम्हारी जीभ काट लेती। अरे सुभद्रा, इस परदेसी ब्राह्मण पर इतना क्रोध क्यों? ये ब्राह्मण क्रोध दिलाने वाली बात ही कर रहा है। अच्छा? कहता है कि पांडु पुत्र अर्जुन में इसे कोई विशेष गुण दिखाई नहीं दिया। ये तो इसकी आंखों का दोष हुआ ना, तो इसकी आंखों के दोष का दंड ये बेचारा क्यों भुगते? कहीं ऐसा तो नहीं सुभद्रा कि तुम अर्जुन से इतनी प्रभावित हो चुकी हो कि उसे देखे बिना ही तुम्हें उससे अनुराग हो गया हो? प्रातश्री, ऐसा कहिएगा तो मेरी आपकी कट्टी हो जाएगी, बोलूंगी भी नहीं आपसे। देखा ब्राह्मण, तुम्हारे कारण मेरी बहन मुझसे रूठ गई। अरे तुमने इस वैरागी से पूछा ही क्यों? अर्जुन के विषय में जो भी पूछना हो मुझसे पूछो, ये ब्राह्मण तुम्हें क्या बताएगा अर्जुन के विषय में? सुनो, लंबा आकार, चंपई रंग, आंखें ऐसी कि वो सबको देखे और सारे केवल उन्हें देखते रह जाएं। कंधे पर धनुष तो ऐसी सजती है। आप तो कविता पाठ करने लगे भ्राताश्री। काव्य की तो परिभाषा ही यह है सुभद्रा कि जो सुने कह उठे कि यही सत्य है, और जो तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो तो अर्जुन को देखकर तुम ही बताओ। वे यहाँ हैं कहाँ की बताऊं? चलो मैं अभी तुम्हारा परिचय करवाता हूँ अर्जुन से। अभी परिचय करवाइएगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये मेरी चहेती बहन सुभद्रा है पार्थ। पार्थ? तो क्या मैं सुभद्रा और तुम्हारे विषय में पिताश्री से बात करूं मित्र? सुभद्रा की अनुमति बिना नहीं। तो चलो राजभवन चलो। चलिए। यदि स्वीकार हो तो प्रणाम करने का साहस करूं? चाहिए, मैं आपका प्रणाम स्वीकार नहीं करती। मेरा अपराध तो बताया नहीं जिसके लिए मुझे इतना बड़ा दंड दिया जा रहा है। तुमने ये क्यों नहीं कहा था कि तुम अर्जुन हो? ये तो तुमने पूछा ही नहीं। तुमने तो बस यही पूछा था कि क्या तुमने अर्जुन को देखा है, और मैंने कह दिया कि हाँ मैंने देखा है। आहा, कह दिया कि देखा है, और ये नहीं कहा था कि उसमें कोई विशेष गुण नहीं है? मेरे विचार में तो नहीं, यदि हो तो बताओ। ये तो बताया नहीं और कटार निकाल ली। अरे अरे अरे, ये मेरी चहेती लाडली बहन किससे भाग रही है? हाँ, समझ गया। क्या समझ गए? तुम्हारे यूं भागने का अर्थ, यदि कोई कन्या वीर बहुटी बनी भाग रही हो तो उसका केवल एक ही अर्थ होता है कि उसके इस भागने के विषय में पिताश्री से बात करनी चाहिए। यदि तुम कहो तो मैं अभी पिताश्री की ओर लपक जाऊं। भ्राताश्री। <laughs>